आपका नाम? नज़ीर हसन है जी, बताएं कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहाँ खड़ी धर्मशाल में रहते हैं, यहाँ मल्ला गाला में। बताएं किस किस्म की परेशानी आपको पानी को लेकर? परेशानी है जी पानी की, यहाँ कोई सहूलियत नहीं है, कोई पंप नहीं है, कोई नज़दीक कोई पानी का साधन नहीं है। यहाँ 250-300 बच्चा है, वो हमारे से पानी हमारे बर्तनों से वो खाली करके ले जाते हैं, क्या करें, वो खाना खाते हैं, बर्तन धोते हैं। तो यहाँ हमारा छोटा सा टैंकी है, वहाँ हम पानी डलवाते हैं टैंकर से, तो वो एक दिन में दो दिन में वो खाली कर देते हैं। तो इसलिए गुजारिश है कि हमारे को हैंडपम्प या पानी का कोई साधन करके दें। जी आपका नाम? जी मेरा नाम इम्तियाज अहमद है। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? सर हम यहाँ खड़ी धर्मशाल के रहने वाले हैं, मोहल्ला गालेरी गली वार्ड नंबर 7 है। सर यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है पानी की है, और हमने पानी को लेकर बड़े प्रशासन डीसी साहब तक के लिए हम गए, लेकिन किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। और हमारी लिहाजा यही गुजारिश है कि डीसी साहब यहाँ पे आएँ, मौके का इंतखाब करें और हमें जो है पानी का साधन किया जाए। और दिन में टोटल हमें 3 दिन पानी दिया गया। आपका कोई डेपुटेशन डीसी साहब के पास गया? सर बहुत बार गए। ये जो नए वाले डीसी साहब हैं इनके पास गए हो? सर नए के पास नहीं गए, इनसे पहलों के पास भी हम बहुत बार गए, लेकिन जाने का कोई हमें हल नहीं मिला, कोई फायदा नहीं। आपके लाइनमैन का क्या नाम है? सर लाइनमैन इधर बहुत हैं, जैसे मेन लाइनमैन जो इधर है इस वक्त उसको मौलवी बशीर कहा जाता है, अब क्या नाम है असली हम भी नहीं जानते उसको। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें पानी की बहुत तंगी है जी, तो आज दिन देखकर हमने इधर, लेकिन 3-4 बार यहाँ डीसी साहब भी आया, उनको मैंने खुद बोला कि पानी के लिए हैंडपम्प के लिए बोला, उनने बिल्कुल नोट करके ले गए यहाँ से, ये हैंडपम्प पक्का आपको मिलेगा, लेकिन इस गाले मले मारे में। तब डीसी साहब कौन से थे? वो पहले थे, ये बदली हो गया, अभी दूसरा आ गया, इससे पहले से दो। तो किसी ने हमारे पास कोई नहीं देखने की ये बात की, तो ना आज दिन देखकर पानी हमारा कोई इस इलाके में पम्प नहीं लिया, पम्प जो भी है इसे आगे 3-4 किलोमीटर दूर में पंप ही पंप लगे हुए हैं, लेकिन हमारे गाले मले में कोई पानी का कोई पंप का कोई मतलब नहीं है।